हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जिस वीडियो का आप लोगों को इंतजार था, फाइनली वो वीडियो आ गया है। मैंने बहुत वेट करवाया, एक्चुअली मेरे को ना वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। रेडी होके आ गई हूँ, मैंने कुछ भी स्टार्टिंग का शूट नहीं किया है, बस यहीं से मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पे सारे लोग, फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, वो लोग आके यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं काफ़ी पीछे बैठी हुई थी ना, तो मुझे वीडियो मतलब मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। जस्ट मैं यहाँ से स्टार्ट, यहाँ कुछ पूजा वगैरह हो रही थी, जो गुद भराई से पहले, गुद भराई होती है, एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी होती है, उससे पहले कुछ पूजा होती है। तो यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए थे, पूजा अभी हो रही थी और सब लोग, हम लोग बैठ के देख रहे थे दूर से। मैंने इसको जूम करके इस वीडियो को बनाया है ना, तो एकदम थोड़ा सा ब्लर ब्लर आ रहा है। तो और ऊपर से थोड़ी लाइटिंग भी ऐसी थी ना कि ऐसे आप देख रहे हैं ना वीडियो में कैसे आया है, तो बस जैसे भी मेरे से बना है उतना मैंने वैसा बना के आप लोग से शेयर कर रही हूँ। लोग डीएम आ रहे थे मेरे पास कि दी आप किसकी सगाई में जा रहे हो, तो ये मेरे देवर की सगाई है, तो वहीं पे हम लोग अभी अटेंड। और आप लोग को पहले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया अभी कि खलीलाबाद में हम लोग आए हैं, पूरा तो मैंने ब्लॉग शेयर ही किया है, लेकिन जो लोग बीच में स्किप कर देते हैं ना ब्लॉग को, उन लोग को पता नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी रस्में हैं वो सब शुरू हो चुकी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बीच में ना यहाँ से चली भी गई थी, एक्चुअली स्पर्श करना, टी शर्ट वगैरह चेंज कराना, तो एकदम इरिटेट हो गया था शर्ट मैंने पहनाया था, तो मैं बीच में चली गई थी, तो कुछ मैंने मिस कर दिया है। और ये जो क्लिप है ये मैंने शूट नहीं किया है, ये मैंने दिया था शूट करने के लिए। तो ये इस तरीके से, एक्चुअली क्या होता है ना, मैं अगर वीडियो शूट करूँ तो मुझे पता होता है कि मैं कहाँ का मुझे शूट करना है, किस तरीके से करना है, लेकिन अगर मैं किसी और को देती हूँ तो प्रॉपर जो शूट होता है ना उस तरीके से नहीं हो पाता है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, इतने तो शूट हुए ना। और यहाँ पे सारे, यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे घर से जो भी हैं लोग, और यहाँ हस्बैंड जी हैं, पीछे मैं बैठी हुई, यहाँ आंटी जी बैठी हुई, स्पर्श बैठा हुआ है। मेरे देवर जी से, जो कि यहाँ जिनकी सगाई है, जो यहाँ पे फ्रंट में बैठे हुए हैं, आपको दिख ही गया होगा, पहचान भी गए होंगे आप लोग। और स्टार्टिंग में मैंने थोड़े से क्लिप भी लगा दिए हैं जिससे आप लोग को आइडिया भी मिल जाएगा। बाबू और पीछे ना एक मिनट बैठ जाए दे तो उनका संतोष हो जा, हो गए तो बुलाइए। गाइस यहाँ पे आप लोग मिल लीजिए कि मेरे घर के ही सारे लोग फैमिली मेंबर्स में से ही हैं। और कुछ ब्लॉग में आप लोगों ने पहले के ब्लॉग्स में ना देखा भी होगा, ससुराल वाले फंक्शन में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें आप लोगों ने सब लोगों को देखा होगा, तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ सब लोगों से। और यहाँ पे पापा हैं, पापा का फर्स्ट टाइम ही आ रहा है ब्लॉग में, और स्पर्श भी यहीं पे बैठा हुआ था, क्योंकि उसको आप लोगों को पता ही है कि वो कितना ज़्यादा वो बस दादाजी करता रहता है। Thank you.
और इसके बाद में मैं स्पॉट को लेके चली गई थी नीचे, उसका चेंज कराना था टी शर्ट, उसको चेंज कराना था। इसी बीच में यहाँ पे दुल्हन की भी एंट्री हो चुकी है, बट यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा था कि मैं कुछ भी शूट करूँ। और फिर मैंने इनसे बोला कि आप ये बोल रहे थे कि जाके कर ले, लेकिन पता है क्या होता है, मैं बताई थी ना लास्ट ब्लॉग में कि मैं ससुराल में, मतलब ससुराल का कुछ फंक्शन होता है ना, तो मैं कम्फर्टेबल नहीं होती हूँ, क्योंकि कौन क्या सोचे कौन क्या बोले कुछ मालूम नहीं होता है। तो मैंने ये बहुत जिद कर रहे थे कि जाके शूट कर ले, तेरे को करना है। तो फिर मैंने इनको मोबाइल दिया कि आप शूट करके ले आओ जितना भी हो पाता है। तो बस यहाँ पे देखिए अब फाइनली आप लोग मिल लेंगे, इंतज़ार ख़त्म हुआ। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी चल रही है रस्म। ये शायद गोद भराई की ही रस्म होती है, हमारे साइड में तो मतलब गोद भराई ही होता है, शायद वही रस्म है। मैं क्योंकि यहाँ पे थी नहीं ना, तो मुझे मालूम नहीं कि कौन सा रस्म क्या चल रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी रस्म है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पे किया जा रहा है टीका। ऐसे हाथ रख रही है, इधर देखिए, पर ओए ये कह रहा इधर देखिए ऐसे हाथ रखिए। गाइज अब शुरू होने वाली है आगे की जो रस्म है, और अभी शुरू होने वाली है रिंग सेरेमनी भी। हालांकि छोटा छोटा क्लिप ये आड़ा तिरछा बना हुआ है तो इसको मैंने ऐड कर दिया है, और यहाँ पे फाइनली अब रिंग सेरेमनी होने वाली है। तो देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन दोनों लोग खड़े हुए हैं। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। होप आपको ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, इसके आगे का मैं जो ब्लॉग है वो शेयर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।